दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से करेंगे, इस पूरी वीडियो में इस क्वेश्चन को फटाफट अंदाज में बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022। सबसे पहला स्टेप वो हमसे क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। सर्व समीका कॉसिक स्क्वायर ए इजिकल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इजिकल्स टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलएचएस लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में LHS लिखता हूँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड cos a माइनस के साइन a प्लस के वन, और डिवाइड में यहाँ पर आपका आ जाएगा cos a और प्लस के साइन a प्लस साइन a माइनस के वन। हमने यहाँ पर इसका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब दोस्तों अब क्या करना है, अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें साइन a से डिवाइड कर देना है हर पद में। कैसे करते हैं, cos a अपॉन साइन a माइनस के साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, यानी इसके डिनोमिनेटर में हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, और अब हमें इसके डिनोमिनेटर में साइन ए से भी करना पड़ेगा, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस के वन अपॉन साइन ए। इतना काम आप सभी बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले स्टेप में हम कॉस अपॉन साइन को जानते हैं, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉट ए, यू नो, तो इस वाले साइन ए से साइन ए को कैंसिल करके यहाँ पर माइनस वन बचेगा, माइनस वन यहाँ लिखूंगा और वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए कॉसिक ए होता है, तो प्लस के यहाँ पर आपका कॉसिक ए आ जाएगा। इस इन सभी के डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है, इन सभी के डिवाइड में आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, तो यहाँ पर मैं कॉट ए लिखूंगा और साथ साथ इस वाले साइन ए से साइन ए कैंसिल, प्लस वन बचेगा। जैसे ऊपर किया है सच दैट, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे माइनस के, ये हमारा कॉसिक ए हो जाएगा। इतना काम आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद में इस cos a cosec a को cot a के पास लिखो आप यहाँ पर इस तरीके से, इक्वल्स टू cot a और प्लस के cosec a और माइनस के वन, और इन सभी के डिवाइड में जो बचो, एक बात आपको बता रहा हूँ, जो नीचे चल रहा है उसको चलने दीजिएगा लास्ट तक, ठीक है ना। नीचे चल रहा है cot a प्लस वन और माइनस के cosec a, इसको एज इट इज आप चलने दीजिएगा, है ना। अगले वाले स्टेप में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं cot a प्लस के cosec a प्लस के कॉसिक ए, चूंकि वो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का। अगर मैं इस वाले कॉट स्क्वायर ए को उस फॉर्मूले में कॉट स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड लेकर आता हूं तो कुछ इस तरह हो जाएगा, ये कॉसिक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए इजिकल्स टू वन। तो मैं इस वन की जगह लिख सकता हूं क्या, माइनस के, और ब्रेकेट में करके लिखना है क्या, ब्रेकेट में करके कॉसिक स्क्वायर ए और माइनस के कॉट स्क्वायर ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पूरी वाली इक्वेशन में, ठीक है ना, जो आपको मैं आपको करा रहा हूं। डिवाइड में हमारा चलता रहेगा, इस वन को पहले लिख रहा हूं, यानी वन प्लस के वन प्लस कॉट ए और माइनस के कॉसे के, तो नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज चलने दीजिएगा इसको। अगले वाले स्टेप में ठीक है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, इधर कस्ट कॉट ए को आप एज इट इज लिखेगा कॉट ए और प्लस के कॉसे के, ब्रेकेट को जब आप ऑन करेंगे यानी खोलेंगे कॉसे के, तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, ये वाला निशान चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस के कॉसिक स्क्वायर ए और प्लस के आपका कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और इन सभी के डिवाइड में चलने दीजिएगा आप जो चल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर वन प्लस के कॉट ए और माइनस ए कॉसेक ए, मैंने नीचे कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज चलने दीजिएगा, इजी कस्ट टू। अब इस कॉट स्क्वायर ए को जो लिखा हुआ है इसको आप पहले लिखेगा और कॉसेक स्क्वायर ए को बाद में लिखेगा, इस तरह हो जाएगा कॉट ए और प्लस के कॉसेक ए प्लस के कॉसेक ए, राइट। और यहां पर आप क्योंकि प्लस हम कॉट स्क्वायर ए को पहले लिख रहे हैं तो कॉट स्क्वायर ए और माइनस वाले को यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को बाद में लिख रहे हैं। इतना काम आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और इन सभी के डिवाइड में क्या चल रहा है, इन सभी के डिवाइड में चल रहा है वन प्लस कॉट ए, वन प्लस कॉट ए और माइनस के कॉसेक ए, राइट। इतना काम आप कर सकते हैं। तो अगले वाले स्टेप में हम जानते हैं, अगर आप यहां पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलने के पश्चात ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इसको आप ए मानो और इसको आप बी मानो, तो कुछ इस तरह हो जाएगा, ये पहले वाला तो एज इट इज है कॉट ए और प्लस के कॉसेक ए, आई बात समझ। और यहां पर आप प्लस लगा दो प्लस, और ब्रेकेट में आप लिखोगे क्या, ब्रेकेट में आपका कॉट ए और प्लस के कॉसेक ए, कॉसेक ए, और दूसरे वाले ब्रेकेट में कॉट ए और माइनस के कॉसेक ए आ जाएगा, और इन सभी के डिवाइड में जो चल रहा है उसको चलने दीजिएगा, बस लास्ट स्टेप इसका रह गया है वन प्लस कॉट ए, वन प्लस कॉट ए और माइनस के कॉसेक ए। अब हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि सर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां पर भी है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां पर भी है, यहां से इसको कॉमन ले लीजिएगा, इस वाले पोर्शन को, इसको और इसको यहां से कॉमन ले लीजिएगा। तो मैं यहां पर अगले वाले स्टेप में इसको कॉमन ले रहा हूं, कॉट ए प्लस के कॉसिक ए हमारा यहां पर आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में हमारा अगले वाले ब्रैकेट में, चूंकि इसकी जगह यहां पर वन बचा तो वन और प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस और आगे वाला कॉट ए माइनस कॉसिक ए, यानी कॉट ए ब्रैकेट में कॉट ए माइनस के कॉसिक ए, कॉसिक कॉसिक ए इस तरीके से। तो इन सभी के डिवाइड में ये पूरा आपका डिवाइड में है इस तरीके से, है ना। अगर आप इस ब्रैकेट को भी हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन वाले ब्रैकेट का कोई फायदा नहीं बन रहा है, तो इसको आप हटा सकते हैं इस तरीके से। तो
अब इन सभी के डिवाइड में क्या चल रहा है, इन सभी के डिवाइड में चल रहा है 1 प्लस cot a और माइनस a cos a, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं कह सकता हूं क्या कि इस 1 प्लस cot a और इस 1 प्लस cot a माइनस cos a कैसे ये पूरा कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, इनटू में रखा हुआ है। क्या बचा हमारा cos a plus k cos a plus cos a proved, ये cos नहीं है cot है, सॉरी एक सेकंड बच्चों, यहां पर ये cot a चल रहा है हमारा, ये हमारा cot a चल रहा है cot a है ना, तो यहां पर आपका cot a cot a और plus cos a ये हमारा प्रूव हो चुका है। आई होप पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। मैं आशा करता हूं बच्चों इस सेशन को यानी इस चैनल को आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच।